पेपी नंबर है बेसिकली, जो यूथ को आजकल जैसे अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्वकी, थोड़ा सा पेपी, उस तरीके का है ना। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनको पसंद आए, ताकि उनको फिल्म के बारे में पता चले, और जब फिल्म रिलीज़ हो रही हो तो वो फिल्म देखने आ जाए। तीन बंदों की कहानी है, डिफरेंट एज ग्रुप्स के तीन बंदे हैं, विच आर बीइंग प्लेड बाय दिलीप काका, ऋषिकेश एंड अनिकेत। और इनके साथ अचानक एक दिन एक ऐसी घटना हो जाती है कि जिस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता, एंड वहाँ से वो लोग कैसे निकल के एक साथ आके लड़ते हैं सिस्टम के खिलाफ, और वेदर उनको विक्ट्री मिलती है कि नहीं मिलती, तो दैट इज़ द व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट। कॉम्बिनेशन है बेसिकली, जो गाना जिस तरीके का है, जो म्यूज़िक हमारे लेस्ली लुईस सर ने, जो वो पहली बार इनफैक्ट मराठी में म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं, आई थिंक आई एम रियली फॉर्चुनेट एंड ऑनर्ड कि इतने बड़े कंपोज़र हमारी फिल्म को उनहोंने यू नो वो राज़ी हुए फिल्म को म्यूज़िक देने के लिए। और उन्होंने जिस तरीके का गाना कंपोज किया है, इट्स अ ग्रेट मिक्स ऑफ वेस्टर्न एंड टिपिकल महाराष्ट्रियन म्यूज़िक। सो इसीलिए मेरा पोशाक भी जो है वो थोड़ा सा वेस्टर्न है और थोड़ा सा महाराष्ट्रियन है। ऑलवेज अ प्लेजर आई गेस, आई मीन वॉट एवर वी हैव शॉट अप टिल नाउ, सो बहुत मज़ा आया शूटिंग में, इट्स बीन रियली नाइस। एंड द सॉन्ग इज़ वेरी नाइस एंड पेपी, आई एम श्योर यू हैव हर्ड इट बाय नाउ अभी, हाँ। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट आगे का भी शूट, यू नो। थोड़ा सा हुआ था, थोड़ी सी गड़बड़, बट मैं कहूँगा पूरी नहीं। होता ये है कि यू नो जब भी थोड़ा सा कुछ ट्रांजिशन होता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी ना किसी को थोड़ा सा सेटबैक मिलता है। तो जैसे टेलीविज़न आए और केबल टीवी आ गए, फिर चैनल्स आ गए, तो फिल्में ज़्यादा टीवी पर दिखने लग गई, तो थिएटर में लोग जाने थोड़े कम हो गए थे। सो साइमल्टेनियसली उसका इफेक्ट थोड़ा सा फिल्में बनती कैसी थी उस पर भी हो रहा था। तो इट वॉज़ अ साइकिल, बट आई थिंक अभी मैं और रितेश तो खैर अभी आए हैं, बट हमारे पहले द पीपल लाइक महेश मांजरेकर, चंद्रकांत कुलकर्णी, श्रीराम गोडबोले, ऑल ऑफ देम हैव बीन यू नो ट्राइंग टू डू सम रियली ब्रेक थ्रू वर्क एंड रियली सम कल्ट फिल्म्स इन मराठी की उन्होंने कोशिश की है। तो सचिन खेड़ेकर हो, उनकी शिवाजी राजे भोसले बोलते हो, या श्वास हो, तो ऐसी फिल्में आई जो लोगों को पसंद आई, लोग दोबारा थिएटर्स की तरफ आने लगे, और उससे हमें थोड़ी सी और यू नो इंस्पिरेशन मिला कि यार कोशिश करनी चाहिए, कुछ नया देते हैं, क्योंकि पीपल आर मोर एक्सेप्टिंग नाउ, दे विल कम एंड दे विल वॉच योर फिल्म इफ इट इज़ अ गुड फिल्म। तुया धर्म कोंचा हो, या बाकी हमारे चंदू सर की फिल्में हो, उनके सारे एक्टर्स हो, सो आई थिंक आज सा दिवस माजा हो, सो ऑल दिस फिल्म्स आई हैव सीन, यू नो, एंड ऑल आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग देयर फिल्म्स, आई हैव ग्रोन अप वर्किंग विद देम एट सम पॉइंट ऑफ द अदर, सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट हम सभी के लिए कि मराठी फिल्मों को वो रिकग्निशन मिल रहा है, एंड ऑल्सो एज फिल्म मेकर्स हम लोग थोड़ी और एफर्ट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ हर साल में, फिर चाहे मराठी इंडस्ट्री की हो या हिंदी की हो, और अभी तो मतलब हॉलीवुड का भी हमें खतरा हो रहा है ना, कि हर हफ्ते इतनी सारी फिल्में रिलीज़ हो रही है। बट आई थिंक पीपल डिसाइड, लोग जब प्रोमो देखते हैं तो डिसाइड कर लेते हैं कि उनको उस हफ्ते में कौन सी फिल्म देखनी है, तो आई एम होपिंग कि हम प्रोमो हमारा अच्छा बनाएं, ताकि पीपल विल डेफिनेटली कम एंड वॉच द फिल्म।